हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो फ्रॉम द गार्डनिंग गुरु चैनल। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास मैरीगोल्ड का प्लांट है और ये इस कट्टे के अंदर लगाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस कट्टे की डेप्थ कितनी होगी, ज़्यादा नहीं है, 11-12 इंच का ही है ये भी, और ऐसे लग रहा है होगा आपको कि बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा नहीं है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं, एक गेंदे का पौधा जब आपको इतने गेंदे के फूल दे सकता है, तब आपको बाहर से लाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। ये देखिए, इतने बड़े बड़े गेंदे के फूल आ रहे हैं। तो आप भी अगर जानना चाहते हैं कि आपके भी घर पे ऐसे ही इतने बड़े बड़े गेंदे के फूल कैसे आए, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। सबसे पहले इसकी प्लांटिंग की बात होती है। प्लांटिंग आप इसकी अच्छे बीज से ही इसकी शुरुआत करें अगर आपको गेंदे के पौधे चाहिए तो। जैसे कि मेरे पास अभी बीज हैं जो अभी मैं इसके बना रहा हूँ। जैसे आपको अगर कोई फ्लावर का बीज बनाना है, चाहे गेंदा हो चाहे कोई भी आपके विंटर का हो, तो उसको आप एक दो फूल को ऐसे रहने दीजिए। जैसे ये देखिए, ये सबसे बड़ा फूल है और ये यहाँ पर पक रहा है और इसी के अंदर इसके सीड्स तैयार हो रहे हैं। 1 से 2 दिन बाद मैं इसको यहाँ से हार्वेस्ट कर लूँगा और उसके बाद इसको धूप के अंदर सूखने के लिए रख दूंगा, जिससे ये मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए सीड सेव हो जाएंगे। और फिर इनको मैं वापस दिवाली के बाद, जब भी दिवाली हो उससे 10 दिन पहले, मैं इनको इनकी प्लांटिंग कर देता हूँ, मतलब सीड्स लगा देता हूँ, जिससे 15-20 दिन के अंदर इसके पौधे आ जाते हैं। और फिर इनको मैं ट्रांसप्लांट कर देता हूँ हर जगह अलग अलग तरीके से। तो ये देखिए, तो सबसे पहली बात तो ये, आपको मैरीगोल्ड के प्लांट को फुल सनलाइट के अंदर रखना है। चाहे कोई भी प्लांट हो आपका, उसको मैरीगोल्ड के प्लांट को फुल सनलाइट चाहिए होती है, जिससे वो और भी ज़्यादा आपको फ्लावरिंग दे सके और अपना खाना बना सके। इसके अंदर आपको ओवर वाटरिंग का ध्यान रखना है। अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपका मैरीगोल्ड का प्लांट, इसकी रूट्स हैं जो गल के ख़राब हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए, इसके अंदर मैंने अभी चाय पत्ती डाली है, चाय पत्ती का पानी, और अनार के छिलके भी डाले हैं, पर इसके अंदर बायो एंजाइम मिक्स करके मैंने ऊपर से डाला है, तो ये ऐसे कुछ नुकसान नहीं करेगा। ये ऐसे मल्चिंग का भी काम करेगा इसके। ये इसका एक और प्लस पॉइंट है अगर आप इसको लगाना चाहें तो। और आपको इसको खाद का ध्यान रखना है, और खाद आप कोई भी दे सकते हैं ऐसे तो, पर इसके लिए गोबर की खाद ज़्यादा सही रहेगी। वो आपको आप इसको देंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको फ्लावरिंग करके दिखाएगा। और ऐसा नहीं है इसको रेगुलर खाद चाहिए होती है, हफ्ते में एक बार भी आप दे देंगे तो भी बहुत है, या फिर लगाने से पहले आप इसको दे तो ज़्यादा सही है। मतलब जैसे ही आप प्लांट लगाएं उस टाइम आप एक बार दे दें, और उसके बाद हफ्ते 10 दिन में वापस एक बार दे दें। इसको इतनी खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, पर इसको फुल सनलाइट प्लस वाटरिंग इसको अच्छे से होनी चाहिए। ओवर वाटरिंग ना करें, बस मिट्टी अगर आपको ड्राई लगे 1 इंच तक, तो आप इसके अंदर पानी डाल दें और हल्की गुड़ाई वगैरह करें। इसके साथ ही मैंने इसके अंदर देखो, ये मिर्ची का पौधा भी लगाया हुआ है और ये बथुआ भी लगा हुआ है, और साथ में ये क्रिस्टमम का प्लांट लगा हुआ है जिसके अंदर वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। और जो आपको 1 चम्मच खाद का मैं कह रहा था, वो खाद अब बताता हूँ मैं आपको। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए, ये है वो 1 चम्मच खाद। तो आप कोई गैस कर सकते हैं इसको कि ये कैसी खाद होगी, क्या होगी? ये है गोबर की खाद जो हमारे यहाँ खुद बनती है। जैसे हम बाहर से गोबर परचेज़ करके लेकर आते हैं, उसके बाद हम उसको खुद डिसॉल्व करते हैं, उसके अंदर बायो एंजाइम मिलाते हैं, तब जाके ये अच्छे से डिकम्पोज हो पाती है। उसके बाद उसका मिक्सचर बचता है जिसे हम धूप में सुखाकर रख लेते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर मिलाकर। तो ये हमारी नेचुरली ऑर्गेनिक खाद तैयार होती है, जिसे आप 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने मैरीगोल्ड के प्लांट के अंदर दें, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको फ्लावरिंग करेगा। तो आप इसको इसकी जड़ों के पास ही डालें। जैसे अभी मेरे पास ज़्यादा नहीं है खाद, थोड़ी है, तो उसको डाल देता हूँ मैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ खुद के यहाँ तैयार की हुई है गोबर की खाद, और जो आपको प्रोसेस बताया था, बायो एंजाइम, हल्दी, गौमूत्र, इन सब से मिलके ये तैयार होती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं और जो आपके प्लांट को बढ़ने के लिए बहुत मदद करती है। और ये हैवी फीडर होता है, क्योंकि आप देखिए, बहुत से मैरीगोल्ड के प्लांट होते हैं, कुछ के अंदर छोटे फूल आते हैं, वो इतने हैवी फीडर नहीं होते, पर जिनके अंदर ज़्यादा बड़े फूल आते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी फूड लेते हैं।
जैसे कि आप देखिए इसके अंदर कलियां तकरीबन 100 होंगी और 20 से 25 तो फूल खिले हुए होंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी हैवी फ्रूट फ्लावरिंग है, सॉरी। जैसे खेत के अंदर भी फ्लावर्स आते हैं वैसे के वैसे सेम टू सेम और उससे भी बढ़िया तरीके से हमारे इस पौधे के अंदर आ रहे हैं 11 से 12 इंच के पॉट के अंदर। तो अगर आप भी ऐसे ही लगाना चाहते हैं तो आप भी अपने प्लांट की पूरी केयर करें। और ये हमारे मार्च अप्रैल तक अच्छे से चलेगा प्लांट, जो हमने दिवाली के टाइम इसकी सीडलिंग करी थी उसके बाद से ये कंटिन्यूस फ्लावरिंग कर रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है कि घर पे भी इतने बढ़िया फ्लावरिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।